चलिए तो आज ये अपना टॉपिक का नाम है डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ये हमारी इंडक्शन मोटर का 7th लेक्चर है। तो इंडक्शन मोटर और ये डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बहुत ही बढ़िया टॉपिक आज का रहने वाला है। तो इन सब वर्डों को छोड़कर सबसे लास्ट में हम फोकस करते हैं मोटर पर, यानी कि सबसे लास्ट में लिखा हुआ है मोटर। तो हम कहेंगे पानी की मोटर, कूलर की मोटर, फ्रिज की मोटर, कोई भी मोटर, अगर कोई भी मोटर है तो सबसे पहले उस मोटर को हम बिजली के प्लग से कनेक्ट करते हैं। मतलब ये हमने मान ली कि ये हमारी मोटर है और इस मोटर में ये हमारी वाइंडिंग है, इस मोटर में ये हमारी वाइंडिंग हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, मोटर को हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। अब मोटर में सप्लाई से किसको कनेक्ट करेंगे, वाइंडिंग को। ये हमारी क्या है, वाइंडिंग, और इस वाइंडिंग का नाम क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग। इस वाइंडिंग को हमने किससे कनेक्ट किया है, सप्लाई वोल्टेज से। इस वाइंडिंग को हमने सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट किया है। अब हम किसी भी वाइंडिंग को वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे तो उस वाइंडिंग में क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी, यानी कि करंट फ्लो हो रही है। एकदम बढ़िया, ये जो हमें टर्न दिख रहे हैं, ये वाइंडिंग के जो टर्न है, ये जो कॉपर की वाइंडिंग के टर्न है, इनमें एकदम बढ़िया क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। अब मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि ये जो करंट फ्लो हो रही है वो 10 एम्पियर फ्लो हो रही है। करंट फ्लो कहाँ हो रही है, वाइंडिंग में। ये करंट आई कहां से है, स्विच से आई है। स्विच में करंट ट्रांसफॉर्मर कर से और ट्रांसफॉर्मर में करंट जीएसएस से। अब देखो मैंने ये मान लिया कि जिनमें ये करंट फ्लो हो रही है, ये टर्न मान लो ये 20 टर्न है, यानी कॉपर की वाइंडिंग के ये जो टर्न है वो 20 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 एम्पियर टर्न हो गया, और एम्पियर टर्न यूनिट होती है एमएमएफ की, और ये जो एमएमएफ है उसके कारण क्या आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स आता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स अल्टरनेटिंग है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स अल्टरनेटिंग है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स आपका रोटेटिंग भी है। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, देसी बात ये है, जैसे ही हम किसी मोटर को वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं तो वाइंडिंग में करंट फ्लो होने के कारण वो पूरी मैग्नेट, वो जो पूरी मोटर है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है, और देसी भाषा में कहूं तो मैग्नेट पैदा हो जाता है। लेकिन ये जो हमारी वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग 3 फेज की वाइंडिंग है, और 3 फेज की वाइंडिंग या तो स्टार में होगी या डेल्टा में होगी। अगर 3 फेज की वाइंडिंग है तभी ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, रोटेटिंग, यानी कि यहां मैग्नेट एकदम बढ़िया क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। कौन सी स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से। मोटर को सप्लाई से कनेक्ट किया तो रिजल्ट में मैग्नेट का फ्लक्स आया और वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब अगर मोटर है तो मोटर में क्या होगा, रोटर होगा, और अगर रोटर है तो रोटर पर क्या होगा, सिलोट होगा, रोटर पर सिलोट है, और अगर सिलोट है तो सिलोट में क्या होगी, वाइंडिंग होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिलोट में वाइंडिंग होगी। मतलब मोटर का दूसरा भाग क्या है, रोटर है, और अगर हम रोटर की बात करें तो डबल रोटर पर 2 वाइंडिंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रोटर पर कितनी वाइंडिंग है, 2 वाइंडिंग है। डन और नॉट डन, यस। मतलब रोटर पर 2 वाइंडिंग है। अब डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में डबल का मतलब है 2, और 2 वाइंडिंग है कहां पर, रोटर पर। पहली बात तो ये जो 2 वाइंडिंग रोटर पर लगाई है वो किसने लगाई है, हमने, यानी हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं इसलिए रोटर पर हमने 2 वाइंडिंग लगाई है। ऐसे नहीं भगवान ने हमें मोटर बना के दियो, ना, मोटर हमने बनाई है और अपनी मर्जी से रोटर पर कितनी वाइंडिंग लगाई है, 2। अच्छा अब देखो मैंने ये मान ली कि ये 2 वाइंडिंग है, ये हमने मान ली कि ये हमारी वाइंडिंग हो गई इस तरह से। ये हमारी एक वाइंडिंग तो ये है, और दूसरी वाइंडिंग हमने ये मान ली, ये हमारी 2 वाइंडिंग है। इस तरह से हमने 2 वाइंडिंग मान ली। अब सीन क्या है, ये मैग्नेट का फ्लक्स घूम रहा है किसके चारों ओर, रोटर के चारों ओर। बढ़िया है, रोटर के अंदर क्या है, सिलोट, और सिलोट के अंदर कितनी वाइंडिंग है, 2 वाइंडिंग है।
एक्चुअल में यहां पर वाइंडिंग के रूप में हम रोड काम में लेते हैं। अब देखो एक अब जो वाइंडिंग है, अब वाइंडिंग एक तो लगी रहती है आउटर केज में और एक लगी रहती है इनर केज में, तो ये वाइंडिंग मैंने आउटर केज की मान ली, तो ये आउटर केज का क्या है रेजिस्टेंस, और ये इनर केज का क्या है रेजिस्टेंस, ये आउटर केज का क्या है रिएक्टेंस, और ये इनर केज का क्या है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस स्लिप से प्रभावित होता है, तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया स्लिप से। रोटर, रोटर में दो वाइंडिंग, अब वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा और वाइंडिंग का रिएक्टेंस होगा, ये इनर केज की वाइंडिंग है, इसका भी रेजिस्टेंस होगा और इसका भी क्या होगा रिएक्टेंस। यानी कि ये दो वाइंडिंग है ना ऐसे लगी हुई है जैसे दोनों वाइंडिंग पैरेलल में कनेक्ट हो। अब देखो हम थोड़ी सी बात आपको बताते हैं, ये जो आउटर केज है इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, पहली बात तो ये साफ है, यानी कि जो आउटर केज है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इनर केज से। अच्छा होता है नहीं, हमने किया है, आउटर जो आउटर केज है उसकी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को हमने बढ़ाया है, मतलब आउटर केज के रेजिस्टेंस को ज्यादा किसने किया, हमने। अब हमने रेजिस्टेंस ज्यादा कैसे किया है, रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल अपॉन ए, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो क्रॉस सेक्शन एरिया को घटाना होगा, यानी कि इस वाली वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, देखो वाइंडिंग का ये जो तार है ना ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये तीन हमने क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया, इसकी तुलना में इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है और इसकी तुलना में इसका इसकी तुलना में ये क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है और इसकी तुलना में ये ज्यादा है। आउटर केज है उसका रेजिस्टेंस हम क्या चाहते हैं ज्यादा, तो हमने आउटर केज के एरिया को क्या किया है कम, ठीक है। अगर हमें रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए तो हम ऐसा मेटेरियल यूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आउटर केज की जो वाइंडिंग है वो ब्रास की बनी होती है, क्यों, क्योंकि ब्रास का रेजिस्टेंस क्या होता है ज्यादा होता है, मतलब आउटर केज है इसके लिए जो वाइंडिंग का मेटेरियल मुझे सेलेक्ट करना है, मैं कॉपर सेलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं जानता हूं कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, मैं क्या सेलेक्ट करूंगा ब्रास, एल्यूमिनियम में सेलेक्ट कर सकता हूं, ब्रोंज सेलेक्ट कर सकता हूं क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस क्या चाहिए ज्यादा। अब मुझे रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों चाहिए, कोई कारण तो बताओ कि मुझे रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों चाहिए। मोटर, जी बहुत बढ़िया, मोटर में रोटर, बहुत बढ़िया, रोटर में सिलोट, बहुत बढ़िया, सिलोटों में कितनी वाइंडिंग, दो वाइंडिंग, उनमें से भी कौन सी वाइंडिंग, आउटर केज की, और आउटर केज की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मैं क्या चाहता हूं ज्यादा, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मैं क्या चाहता हूं ज्यादा, क्यों, मुझे पता है टॉर्क है ना वो प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के होता है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो टॉर्क भी क्या होगा ज्यादा। ये टॉर्क क्या होता है, वो बल जो रोटर को घुमाता है, जैसे साइकिल का पहिया उसे हमें चढ़ाई पे चढ़ाना है तो हम पेडल लगाते हैं, हम बल लगाते हैं और उसके कारण वो रोटर हमारा क्या करता है घूमता है, तो ये जो रोटर है यानी कि रोटर को घुमाने के लिए जो हमें बल चाहिए वो ज्यादा चाहिए, टॉर्क हमें ज्यादा चाहिए, तो उसका सीधा तरीका है रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए ज्यादा। अगर टॉर्क ज्यादा होगा इससे क्या फायदा है, हमारा रोटर एक्सीलरेट भी क्या करेगा ज्यादा करेगा, तो जेबी गुप्ता में लिखा हुआ है कि रोटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण स्टार्टिंग टॉर्क और एक्सीलरेटिंग टॉर्क क्या होता है ज्यादा होता है। अब देखो अब हम चलते हैं दूसरे संसार में, यस चलिए, अब हमने ये लिखा है कि आउटर केज का रेजिस्टेंस ज्यादा है, मैंने मान लिया 15 ओम, इनर केज का जो रेजिस्टेंस है वो कम है वो मान लिया मैंने 9 ओम, आउटर केज है उसका रिएक्टेंस कम माना है 8 ओम, और अंदर वाले का ज्यादा है क्या माना है हमने 40 ओम। आउटर केज और इनर केज ये केज है कहां, रोटर पर। अब देखो अब बात यह है कि स्टार्टिंग में करंट कहां पर फिल होगी, तो देखो ये जो आउटर केज की वाइंडिंग है उसका इंपीडेंस कितना है 17 ओम, और ये अंदर वाली जो केज है उसका इंपीडेंस कितना है 41 ओम। अब करंट कहां फिल होगी, तो ओबियस सी बात है करंट आपकी आउटर केज में से ही फिल होगी, मतलब इस स्टार्टिंग में जो करंट है वो आउटर केज में से फिल हो रही है, क्यों, इसलिए फिल हो रही है क्योंकि आउटर केज का इंपीडेंस कम है बजाय किसके, इनर केज के। डन और नो डन,
ये आउटर केज का, ये हमने वाइंडिंग बनाई है, हमने वाइंडिंग इस तरह से बनाई कि रेजिस्टेंस ज्यादा और रिएक्टेंस क्या है कम है, तो स्टार्टिंग में करंट कहां फिल होती है, आउटर केज में फिल होती है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है हमारी, जो साधारण मोटर होती है स्क्वायरल केज, उसके रेजिस्टेंस से ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस अगर ये ज्यादा है तो हमारा टॉर्क भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर ये रेजिस्टेंस ज्यादा है रोटर वाला तो टोटल रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, तो इसलिए हमारी स्टार्टिंग में जो करंट फिल हो रही है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो हमारी डबल स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर हाई टॉर्क वाली और कम करंट वाली, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कम करंट वाली, कम स्टार्टिंग करंट वाली मोटर है। अब देखो दूसरा, इनर केज का रेजिस्टेंस हम कम चाहते हैं, अंदर वाला केज है इसका रेजिस्टेंस क्या चाहते हैं, कम, हम कम चाहते हैं। तो देखो आर बराबर क्या है, रो एल अपॉन ए। अगर रेजिस्टेंस कम चाहते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रखेंगे, ज्यादा। अगर मेरी कंपनी बना रही है वाइंडिंग तो मैं कहूंगा कि इनर केज में जो वाइंडिंग डालनी है उसका आप क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रखो, ज्यादा। और क्रॉस सेक्शन एरिया होता क्या है, अरे भाई तार की मोटाई, ये जो है ना ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। मैं कहूंगा कि क्रॉस सेक्शन एरिया आपको क्या रखना है, ज्यादा। रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, कम, तो रेजिस्टेंस कम किसका होता है, कॉपर का। तो अंदर वाला जो केज है ना उसके लिए कौन सा मेटेरियल हम काम में लेते हैं, कॉपर काम में लेते हैं, डन और नॉट डन। जो जेबी गुप्ता है उसमें लिख रखा है रेड कॉपर, डन और नॉट डन। अब हम बात करेंगे रनिंग कंडीशन की, अब हम बात करते हैं रनिंग कंडीशन। तो रनिंग कंडीशन में क्या होगा, ये जो हमारा आउटर केज का रेजिस्टेंस है ये तो 15 ओम ही होगा, लेकिन रनिंग कंडीशन में आपको पता है स्लिप का मान घटता है, तो मान लिया मैंने स्लिप का मान 0.04 है, डन। तो हमारा ये जो रिएक्टेंस है ये घटकर कितना हो जाएगा, 8 × 0.04 यानी कि 0.32, डन और नॉट डन। और अगर हम यहां इंपीडेंस ज्ञात करेंगे तो लगभग ये 15 ओम ही आएगा, डन और नॉट डन। अब बात करेंगे हम इनर केज की, इनर केज का रेजिस्टेंस कितना है, 9 ओम, स्लिप वही 0.04, तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 × 0.04 तो कितना हो जाएगा ये, 1.6। और अगर हम Z2 की बात करें तो लगभग ये 9 ओम ही आएगा। क्या झोल है, रनिंग कंडीशन में स्लिप कम हो जाती है, तो ये स्लिप भी कम होगी और ये स्लिप भी कम होगी, मतलब आउटर केज का रिएक्टेंस भी घटेगा और इनर केज का रिएक्टेंस भी घटेगा। मतलब जो रिएक्टेंस 8 ओम था वो यहां पर 0.32 हो गया, जो रिएक्टेंस हमारा 40 ओम था यहां घटकर 1.6 हो गया। कुल मिलाकर रनिंग कंडीशन में, अगर हम रनिंग कंडीशन की बात करें, अरे भाई जब मोटर चल रही है तो स्लिप का मान कम होगा और स्लिप के कारण रिएक्टेंस भी कम होगा, तो ये जो इंपीडेंस है ना Z2 इसका मान कम हो जाएगा। अगर इंपीडेंस Z2 का मान कम है तो रनिंग कंडीशन में हमारी करंट कहां फिल होगी, इनर केज में से फिल होगी। रनिंग कंडीशन में करंट हमारी इनर केज से फिल होगी। इसका एडवांटेज क्या है, अगर रेजिस्टेंस कम है तो पावर का लॉस कम होगा और इफिशियंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो रनिंग कंडीशन में करंट कहां फिल होती है, इनर केज से फिल होती है, डन और नॉट डन। यस, चलिए, तो ये डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का कंक्लूजन है, या हम इसे नट सेल में कह सकते हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले कहा है कि डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, अभी मैंने गूगल पे सर्च किया था डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का, एक क्वेश्चन तो मुझे ये मिला कि ये हाई टॉर्क वाली और लो स्टार्टिंग करंट वाली मोटर है। अगर स्क्वायरल केज आ जाए तो स्क्वायरल केज का टॉर्क तो लो होता है, लेकिन डबल स्क्वायरल केज का क्या होता है, हाई टॉर्क और लो स्टार्टिंग करंट वाली मोटर है। एक तो ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये मिला है, अभी हमने सर्च किया था कि जो आउटर केज है यानी कि जो बाहरी केज है उसकी वाइंडिंग किसकी बनी होती है, ब्रास की। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये दोनों वाइंडिंग किसके समान है, जैसे कि दो वाइंडिंग पैरेलल में कनेक्ट हो। अब हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वर्ड लिखा हुआ है मोटर, तो मैंने कहा भाई मोटर है तो दे दो सप्लाई, ये आपकी वाइंडिंग है, इसको कनेक्ट किया हमने सप्लाई वोल्टेज से। ये वोल्टेज आ कहां से रहा है, हमारे घर में मीटर से, हमारे घर बिजली कहां से आ रही है, सर्विसमैन से, और सर्विसमैन में बिजली कहां से आ रही है, डिस्ट्रीब्यूटर और उसमें ट्रांसफार्मर। मतलब हमारी मोटर की ये जो वाइंडिंग है इसको वोल्टेज से कनेक्ट किया, तो ये जो वाइंडिंग है इसका नाम प्राइमरी वाइंडिंग है, और काय की वाइंडिंग, कॉपर के तार, इसमें बह रही है करंट।
ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है स्टार में भी हो सकती है और डेल्टा में भी हो सकती है। अब मैंने मान लिया कि जो करंट फ्लो हो रही है, ये करंट जो आ रही है ये टर्नों में से आ रही है, टर्नों में से आ रही है। मैंने मान लिया कि इसमें जो करंट आ रही है वो 5 एम्पियर है और टर्न मान लिए 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 एम्पियर टर्न, और एम्पियर टर्न किसकी यूनिट होती है एमएमएफ की, उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है कि बिजली से मैग्नेट बन रहा है, और वही मैग्नेट जो आयरन को खींचता है, लोहे को खींचता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स अल्टरनेटिंग है, क्यों? क्योंकि ये मोटर इंडक्शन है, इंडक्शन तो एसी में ही होता है। तो ये हमारा मैग्नेट अल्टरनेटिंग प्लस रोटेटिंग, ये मैग्नेट रोटेट तभी करेगा जब ये वाइंडिंग थ्री फेज की होगी। चलिए बढ़िया है, एकदम बढ़िया मैग्नेट घूमने लग गया, एकदम बढ़िया मैग्नेट घूमने लग गया, लेकिन अंदर क्या रखा हुआ है? रोटर। अंदर क्या रखा हुआ है? रोटर। ये रोटर जो घूमता है वो टॉर्क के कारण घूमता है। जैसे मैंने कहा कि साइकिल के पहिए को घुमाने के लिए हम बल लगाते हैं, ऐसे रोटर को घुमाने के लिए हमें क्या चाहिए? टॉर्क चाहिए। चलिए, मोटर में रोटर, रोटर हो गए, रोटर में टू केज वाइंडिंग होती है, मतलब मोटर है, मोटर का रोटर है, रोटर में सिलोट है और सिलोट में टू केज वाइंडिंग होती है, मतलब एक तरह की बार या रोड, इनको हम वाइंडिंग के रूप में काम में लेते हैं। और कितनी? दो केज वाइंडिंग होती है। अच्छा, दो ही एंड रिंग होती है या फिर एक एंड रिंग से भी काम चल सकता है। अच्छा, ये जो दोनों आपकी वाइंडिंग है ये दो पैरेलल वाइंडिंग की तरह बिहेव करती है। अब वाइंडिंग बना कौन रहा है? मैं, तो किसके हिसाब से बनाऊंगा? मेरे हिसाब से। तो आउटर केज की जो वाइंडिंग है उसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो मैं कम रखूंगा। ये जो आउटर केज की वाइंडिंग का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये इसे हम क्या रखेंगे? कम रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अगर एरिया कम होगा, आपको पता है आर बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए। अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। अब देखो, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आउटर केज मोटर, उसका रोटर, रोटर में भी आउटर केज, आउटर केज की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई होता है, जबकि लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है? लो होता है। अंदर वाली जो केज है, अंदर वाला, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? लो। और रिएक्टेंस क्या होता है? हाई। रेजिस्टेंस हाई। अब रेजिस्टेंस आउटर केज का कैसे हाई हो? एक तो हम ऐसा मेटेरियल ले लें जिसका रेजिस्टेंस ही ज्यादा हो, जैसे आपका हाई रेजिस्टेंस मेटेरियल है ब्रास। ये एग्जाम में आया हुआ है कि आउटर केज के लिए कौन सा मेटेरियल चूज करते हैं? ब्रास, ब्रॉन्ज या एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ब्रास, क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी क्या होती है? ज्यादा। अच्छा, हाई रेजिस्टेंस और लो रिएक्टेंस। अगर अंदर वाले केज की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? लो। और रिएक्टेंस क्या होता है? हाई। अब ये झोल थोड़ा सा समझने में जोर आएगा। मैंने ये माना है कि आउटर केज का रेजिस्टेंस 15 ओम मैंने मान लिया और अंदर वाले का कितना मान लिया? 9 ओम। तो यहां से संतुष्टि मेरे ये हो गई कि आउटर केज का रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। अच्छा, लेकिन मैं ही तो हूं वाइंडिंग वाला। ये जो आउटर केज का रिएक्टेंस 8 है और अंदर वाले का 40, तो जो आउटर केज का इंपीडेंस हो गया 17 और अंदर वाले का क्या हो गया? 41। यानी शुरू शुरू में स्टार्टिंग में करंट फिल होगी ना, वो आउटर केज में से फिल होगी। अरे मैं ये कहता हूं कि करंट फिल होती है लो रेजिस्टेंस में से, लेकिन ये करंट कहां फिल हो रही है? हाई रेजिस्टेंस में से। क्यों? क्योंकि आउटर केज की वाइंडिंग का इंपीडेंस कम है। क्या कह रहा हूं मैं? मेरे से कोई भी पूछ ले करंट कहां फिल होगी, तो मैं कहूंगा लो रेजिस्टेंस में से, लेकिन यहां करंट कहां फिल हो रही है? हाई रेजिस्टेंस में से। क्यों? क्योंकि आउटर केज की वाइंडिंग का क्या कम है? इंपीडेंस कम। चलिए, अब जब रनिंग की बात आती है, यानी कि जब टॉर्क के कारण हमारा रोटर घूमने लग जाता है, ये रोटर घूमने लग जाता है, तो स्लिप की वैल्यू 0.04 मैंने मान ली। एक तो आप ये समझ लो, देसी बात, मोटर, उसमें रोटर, रोटर में सिलोट, सिलोट में वाइंडिंग, और वाइंडिंग का ये जो रिएक्टेंस है ना, ये स्लिप से प्रभावित होता है, ये स्लिप से प्रभावित होते हैं, स्लिप के कारण रिएक्टेंस घटता है। एक्चुअली में रिएक्टेंस होता ही एस और एक्स टू है। मैंने एक्स टू का मान 100 मान लिया और स्लिप का मान मान लो 0.04 है, 0.04 × 100, यानी मेरा रिएक्टेंस घटकर मात्र कितना हो गया? 4 ओम हो गया। मतलब रनिंग कंडीशन में रिएक्टेंस घट जाता है। अब देखो, जो रिएक्टेंस मेरा 8 ओम था वो घटकर कितना हो गया? 0.32। जो रिएक्टेंस मेरा 40 ओम था घटकर कितना हो गया? 1.6।
मतलब रनिंग कंडीशन में आउटर केज का इंपीडेंस है ज्यादा और इनर केज का इंपीडेंस क्या है, कम। तो रनिंग कंडीशन में करंट कहां फिल होती है, इनर केज में से फिल होती है। रनिंग कंडीशन में करंट कहां फिल होती है, इनर केज में फिल होती है। अब अंदर के केज का रेजिस्टेंस मैं कम चाहता हूं, अंदर वाले केज का रेजिस्टेंस मैं चाहता हूं कि कम हो, तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। अगर रेजिस्टेंस कम चाहता हूं तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा, मतलब तार का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है अंदर वाले केज का, प्लस रेजिस्टेंस कम चाहता हूं तो रेजिस्टेंस कम किसका होता है, कॉपर का। डन और नॉट डन? यस। अब देखिए, तो हमने जो इनर केज है उसके लिए कौन सा मेटेरियल यूज किया है, कॉपर, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस लो होता है। टोर्क प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है, ये रोटर को घुमाने वाला जो बल है टोर्क है, ये प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो टोर्क भी ज्यादा। अब हमें पता है आउटर केज का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा, इसलिए टोर्क भी क्या होता है, ज्यादा। प्लस मैंने मान लिया, मैं कहता हूं मोटर करंट स्टार्टिंग में ज्यादा लेती है, मोटर स्टार्टिंग में करंट ज्यादा लेती है, अरे भाई इस वाली वाइंडिंग में करंट ज्यादा है, तो हमें पता है कि करंट का कंट्रोल कौन करता है, रेजिस्टेंस, आर वन प्लस आर टू बाई के स्क्वायर। अगर ये रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो टोटल रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, तो इससे स्टार्टिंग करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डन और नॉट डन? अच्छा, जेबी गुप्ता में लिखा है कि स्टार्टिंग टोर्क जो इसका है ये 200 से 250% होता है फुल लोड टोर्क का। डन और नॉट डन? अच्छा, ये तो हमने बता दिया इसका हाई मतलब स्टार्टिंग टोर्क और एक्सीलरेटिंग टोर्क दोनों ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर टोर्क ज्यादा होगा तो एक्सीलरेट भी जल्दी होगा। प्लस आपको पता है रनिंग कंडीशन में करंट कहां फील होती है, इनर केज में, तो इनर केज का जो रेजिस्टेंस है वो लो है तो पावर लॉस भी कम होगा, तो रनिंग कंडीशन में इसकी जो इफिशियंसी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। डन और नॉट डन? तो ये डबल स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर है, रोटर में दो दो वाइंडिंग। भाई समस्या ये है कि जो अगर मैं डबल को हटा दूं तो बची स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, इसके रोटर में मैं बाहर से रेजिस्टेंस नहीं लगा सकता, इसका रेजिस्टेंस लो होता है, टॉर्क भी लो होता है और करंट ये मोटर लेती है ज्यादा, तो मैंने इसका इलाज क्या किया, डबल, यानी कि दो दो केज लगा दिए, इससे मुझे मिला क्या, टॉर्क ज्यादा मिला और करंट क्या क्या हुई आपकी, कम। तो आई होप आपको डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर समझ में आई होगी। फील करें, फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोटर में कहां करंट आ रही है, कहां जा रही है, इंपॉर्टेंट है। जब फ्लक्स घूमेगा तो रोटर की वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होगा, ईएमएफ के कारण करंट फिल होगी, करंट कहां फिल होगी, आउटर केज में से। मोटर चल रही है एकदम बढ़िया घूम रही है, फिर वो करंट जो आउटर केज में फिल हो रही थी वही कहां फिल होने लगी, इनर केज में। तो ये सब बातें, चलिए डन है।